नमस्कार दोस्तों, 1960 के दशक की बात है। उस समय आरएसएस चीफ एमएस गोवलकर हुआ करते थे और वो मुंबई में हिंदू धार्मिक समुदायों को एक छत के नीचे एकजुट करने के लिए संन्यासियों के चुनिंदा धार्मिक संगठनों के प्रमुख से मिलते हैं, जिसके बाद गोवलकर और एसएस आप्टे स्वामी चिन्यानंद के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP की स्थापना करते हैं। उद्देश्य रखा गया हिंदू मंदिर बनवाए जाएंगे और गो हत्या और धर्म परिवर्तन को रोका जाएगा। करेंगे बात इन सब के बारे में डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, कि मेरा मानना है आपके बगैर हमारा यह चैनल अधूरा है। लेकिन तभी इन सब घटनाओं के बाद 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगुवाई की और युवाओं को भी इससे जोड़ने का अभियान चला। 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जानकी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी इसी बीच कई संगठनों ने इस रथ यात्रा का विरोध किया। इसके बाद परिषद ने रथ यात्रा के लिए उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से सुरक्षा मांगी, लेकिन तब नारायण दत्त तिवारी ने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन इन तमाम अड़चनों के बीच विश्व हिंदू परिषद ने इसके बावजूद रथ यात्रा निकालने की ठानी और इसमें वहां मौजूद साधु संतों ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े युवाओं को इस रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। इस दौरान हजारों की संख्या में जो युवा थे वो अयोध्या पहुंच गए और उस वक्त विनय कटारिया के नेतृत्व में सुरक्षित रथ यात्रा निकाली गई। लेकिन क्या आपको पता है कि यहीं से बजरंग दल का आइडिया भी मिला। फाइनली 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की पहली बैठक बुलाई गई और तब विनय कटारिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एंड आपको पता होना चाहिए कि तब इसे विश्व हिंदू परिषद की युवा वाहिनी बताया गया था। एंड धीरे धीरे इसके बाद से बजरंग दल के लोग भी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ते चले गए। यह एक ऐसा दौर था जब बड़ी संख्या में लोग जो थे ना बजरंग दल से जुड़ते चले जा रहे थे और इसीलिए 1986 के बाद से दूसरे राज्यों में भी इसके यूनिट्स बनाने के फैसले लिए गए। यह ठीक समय था जब बजरंग दल को पूरे देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी और इसके लिए पूरे देश भर से बड़ी संख्या में युवा जो थे ना वो पूरी तरह से तैयारी में। अब तक बजरंग दल ना सिर्फ अस्तित्व में था देश के अंदर, बल्कि इसकी जो आइडियोलॉजी है ना पूरे देश भर में तेजी से फैल रही थी। पूरे देश भर से हर उम्र के जो लोग थे ना वो इसमें तेजी से जुड़ रहे थे और इन सब वजहों में सबसे जो प्रमुख वजह थी वो इसका उद्देश्य था जो बहुत ही क्लियर था। आपको पता होना चाहिए कि बजरंग दल का प्रमुख उद्देश्य जो था ना अयोध्या में राम मंदिर को बनवाना और इसके साथ ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार करवाना था। लेकिन इन सब के साथ साथ बजरंग दल मुस्लिमों की डेमोग्राफिक जो ग्रोथ है ना उसके खिलाफ रहा और साथ ही धर्म परिवर्तन, गो हत्या और हिंदू संस्कृति में पश्चिमी जो प्रभाव है उसका खुले तौर पर विरोध करता। और बजरंग दल की आधिकारिक जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट में साफ साफ लिखा कि बजरंग दल का गठन किसी के विरोध में नहीं बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक जो तत्व हैं उनसे उनकी रक्षा के लिए हुआ। और यही वजह है कि आरएसएस VHP और बजरंग दल को करीब से स्टडी करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट नीलांजन मुखोपाध्याय अपनी किताब दी आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट्स में लिखते हैं कि बजरंग दल की जो शुरुआत है VHP के लिमिटेड विंग के रूप में हुई जो राम जन्मभूमि आंदोलन को और ज्यादा आक्रामक बना सके। लेकिन इसके बाद मुखोपाध्याय बताते हैं कि एक संगठन के रूप में यह अधिक उग्र था और कुछ हद तक हिंसक साधन भी उपयोग करता था। शुरुआत में से राम सेना के हनुमान जैसे सिपाहियों के रूप में पेश किया, जिसके बाद जो है ना समय के साथ इसकी जो कार्यशैली है उसमें भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिला। 1984 में रथ यात्रा के लिए सशक्त और हटे कट्टे लोगों को इसमें शामिल किया, जबकि VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने युवाओं से इसका हिस्सा बनने और साधुओं को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए कहा और तब इसके सदस्यों की भर्ती के लिए ना कई दीक्षा समारोह भी आयोजित किए गए। एंड मुखोपाध्याय के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब आंदोलन का सारा मकसद पूरा हो गया था तो इसके बाद कुछ समय तक बजरंग दल के लिए अधर वाली स्थिति रही। लेकिन तभी इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री जो बनने का रास्ता था उसे साफ कर दिया। मतलब कि एक प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि अब तक जो घटनाएं घटी उससे बीजेपी को भी यह एहसास हो चुका था कि अब राम मंदिर पर उसे कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। अब तक बाबरी मस्जिद जो था वो पूरी तरह से विध्वंस हो चुका था और इसके साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर जो है उसे बनाने का एक बहुत बड़ा रोड़ा जो है रास्ते से हट चुका था। और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके साथ ही तब बजरंग दल बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद तब तक पूरा हो चुका था। लेकिन तभी कई समस्याएं थी जो देश के अंदर तेजी से अपने पैर पसार रही थी और इन्हीं समस्याओं में से एक था जबरन धर्मांतरण। मतलब कि तब देश भर में लोग बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन के शिकार हो रहे थे और बड़ी साजिश के तहत बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। पूरे देश भर में कई साजिशों के तहत बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा था और आज भी देश भर में इसकी हजारों शिकायतें दर्ज है जहां पर लोगों ने या फिर
उनके परिवार वालों ने उनकी जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायतें जो है ना वो दर्ज करा रखी है। लेकिन तब इसे रोकना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब कि जरूरी था। और तब एक बार फिर से बजरंग दल सामने आया। दरअसल 1997 के बाद बजरंग दल एक बार फिर से तेजी से उभरा और जबरन धर्मांतरण को रोकने का बीड़ा उठाया। लेकिन तभी देश भर से कई एंटी हिंदुइज्म जो संगठन थे वो इसके पक्ष पड़ गए, मतलब कि तब जो बड़ी संख्या में मुस्लिमों के हिमायती जो संगठन थे वो इस बजरंग दल के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और तब किसी बड़ी साजिश के तहत देश भर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसका आरोप जानबूझकर बजरंग दल के ऊपर लगाया गया और फाइनली बजरंग दल को हेट क्राइम्स आरोपों के अंदर जो है ना लाकर खड़ा कर दिया गया और जिसके बाद उसकी छवि बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई। जिसके बाद इसके आगे की जो घटनाएं थी वो काफी ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली थी। बताएंगे आपको इन सब के बारे में लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर